के आप लोगों ने भी वो व्हाट्सएप पे एफबी पर वीडियो देखी है क्या किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया और माओं के पेटों को फाड़ कर बच्चों को निकाल दिया गया। तो ये मत सोचो कि वो परमा के लोग हैं, आप लोग सब ये सोचे कि वो हमारी फैमिली में से है और उस दर्द को अपना दर्द समझ कर हर एक एहसास को अपना एहसास बनाकर आज से हाथ मिलाकर परमा के खिलाफ लड़ते रहना है जब तक के वो देश आतंकवादी देश घोषित ना हो जाए। और मैं मोदी जी से चैलेंज करके कहता हूँ कि उनकी अकल कई तबेले में पड़ी हुई है जो अब तक उस देश को आतंकवादी घोषित नहीं कर रहे। आतंकवाद का मतलब क्या है? आतंकवाद जुल्म सहने वाला भी गुनहगार, जुल्म करने वाला भी गुनहगार। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी कान खोल कर मेरी बात सुनिए, अगर वो आप लोगों को गुनहगार नहीं लग रहे तो फिर आप गलती पर हो। ये हिंदुस्तान ने कभी ट्रेन में यहाँ मार दिया गया बेगुनाह को, क्या वो आतंकवाद नहीं जिन्होंने मारा? मैं इस बात का जवाब चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ जिसने वहां पर बर्मा में बच्चों को मारा गया, मैं अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ अगर हमें वहां जाने का मौका मिला तो हम घर बार छोड़कर बच्चा बच्चा बुजुर्ग बुजुर्ग औरत औरत सब बड़ी बर्मा चलेंगे। घोषित नहीं कर रहा।